खुजदार शहर का वाहिद फुटबॉल स्टेडियम खस्ता हाली का शिकार है, जिससे खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ अब्दुल जब्बार हुसनी की इस रिपोर्ट में। खुजदार का वाहिद बाबा बलुस्तान फुटबॉल स्टेडियम का शुमार कदीम तरीन खेलों के मैदानों में होता है। फुटबॉल के शौक रखने वाले खिलाड़ियों के पास इस ग्राउंड के अलावा फुटबॉल खेलने के लिए और कोई जगह दस्तयाब नहीं। बाबा बलुस्तान फुटबॉल स्टेडियम की हालत इंतहाई खस्ता हाल है, जो कि फुटबॉल खेलने के काबिल नहीं, जिसकी वजह से खुजदार के नौजवान खिलाड़ी शदीद मायूसी का शिकार हैं। जिले भर के खिलाड़ियों के लिए एक वाहिद ग्राउंड है। गुज़िश्ता कई बरसों से मुंतखब नुमाइंदों और जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। पानी का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से फुटबॉल ग्राउंड में लगे ग्रासी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। स्टेडियम की दीवार गिर चुका है, जबकि खिलाड़ी गर्दो गुबार के बायस मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। ये वही ग्राउंड था कुछ साल पहले यहाँ सरसब्ज शादाब था, एक नज़ारा था, आज बदकस्मती से कंडरात में तब्दील हो चुका है। तो हमारी गवर्नमेंटी अदारे या दूसरी हमारे जो जिम्मेदार है MNA MPA मिनिस्टर, उनकी तवज्जो ना होने की वजह से ये ग्राउंड जो खुजदार शहर के दिल में है। तो मैं अपील करता हूँ तमाम अदारों से जो इन पर तवज्जो दे, यहाँ के फुटबॉलरों को फिर वही मौका दे दे खेलने का, क्योंकि यहाँ से अच्छे अच्छे फुटबॉलर भी पैदा हुए हैं, नेशनल इंटरनेशनल खेले हैं खिलाड़ियों ने, यहाँ खुजदार का नाम रोशन किया है। हम फिर भी कोशिश करेंगे आपके तवज्जो से इस चैनल की कि हमारे इस ग्राउंड को खुदाया आबाद किया जाए। खुजदार के खिलाड़ियों ने बलुस्तान हुकूमत से मुतालबा किया है कि बाबा बलुस्तान फुटबॉल स्टेडियम के दरपेश मसाइल पर नोटिस लेकर फौरी तौर पर हल किए जाएं, ताकि खिलाड़ी अपनी मजीद खेल जारी रख सकें। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल जब्बार, मोहम्मद असनी, 7 न्यूज़, खुजदार।